गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज टिफिन में बिल्कुल नई रेसिपी बनाने वाले हैं। पाव भाजी और मिसल तो आपने बहुत बार खाया होगा, लेकिन आज मैं हमारे यहाँ का बहुत ही फेमस स्ट्रीट फूड बनाऊंगी, जिसे दाबेली मिसल कहते हैं। वैसे तो ये कच्ची कड़क जैसा ही है, लेकिन महाराष्ट्र में मिसल फेमस है और इस दाबेली मिसल को मिसल की तरह सर्व करते हैं, तो इसे दाबेली मिसल कहते हैं। तो अगर आप कुछ नया खाना पसंद करते हो तो इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा। तो दाबेली मिसल बनाने के लिए मैंने यहाँ पर दो आलू लिए हैं। अब आलू के हम छोटे छोटे टुकड़े करेंगे और आलू को मैंने पहले से ही धो लिया था, तो अब धोने की ज़रूरत नहीं है। अब इसमें हम 2 ग्लास पानी ऐड करेंगे, स्वादानुसार नमक ऐड करेंगे और थोड़ी सी हल्दी। अब इसे 3 से 4 विसल होने तक पका लेंगे। तो यहाँ पर आलू अच्छे से पक गए हैं, तो इसे हम अच्छे से मैश कर लेंगे और आप चाहे तो इसे ब्लेंड भी कर सकते हो। तो कंसिस्टेंसी हमें कुछ इस तरह की रखनी है। अब कढ़ाई में थोड़ा सा तेल गर्म करने के लिए रखेंगे। तेल हल्का सा गर्म हो जाए तो इसमें हम दाबेली मसाला डाल देंगे। और दाबेली मसाला मेरा होममेड है, जिसकी रेसिपी मैंने ऑलरेडी आपके साथ शेयर की हुई है, आप चाहे तो देख सकते हो। मसाला थोड़ा भुन जाए तो इसमें हम खजूर इमली की चटनी ऐड करेंगे। कलर के लिए थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे। अब इसे चलाते हुए कुछ सेकंड के लिए भून लेंगे। अब उसी के साथ आलू वाली प्यूरी ऐड करेंगे और अच्छे से मिला लेंगे। और हम मिसल बना रहे हैं तो ये काफ़ी गाढ़ा है, तो इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। तो टोटल मैंने यहाँ पर 4 ग्लास पानी का यूज़ किया है। पहले हमने 2 ग्लास पानी ऐड किया था और तड़का देने के बाद 2 ग्लास पानी ऐड किया है। और दाबेली मसाला हमें उतना ऐड करना है कि हमें नमक की भी ज़रूरत ना पड़े। अब इसमें अच्छा सा उबाल आ जाए तब तक हम पका लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि दाबेली मिसल में अच्छा सा उबाल आ गया है। तो यहाँ पर हम गैस बंद कर देंगे और सबसे आखिर में थोड़ा सा हरा धनिया डाल देंगे। यहाँ पर हमारा झटपट बनने वाला दाबेली मिसल रेडी है। और साथ ही साथ मैंने यहाँ पर पाँव को भी सेक लिया है। वैसे तो इसमें पाँव को सेके नहीं जाते, लेकिन अगर हम थोड़ा सा सेक लेंगे तो वो खाने में अच्छा लगेगा और इसे ज़्यादा क्रिस्प नहीं करेंगे, सॉफ्ट ही रखेंगे। यहाँ पर मैंने पाँव को सेक लिया है। और दाबेली मिसल को किस तरह से सर्व किया जाता है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और पाँव को पैक करने के लिए मैंने यहाँ पर ओडी यूनिरेप पेपर फॉइल लिया है, क्योंकि इसमें पैक किया हुआ खाना लंबे समय तक फ्रेश रहता है और इसमें कोई भी हार्मफुल केमिकल या मेटल नहीं है, तो हम इसका बिना टेंशन यूज़ कर सकते हैं। और साथ में है अनारदाना और मिक्स फरसान, और ये है सुपर टेस्टी दाबेली मिसल। और मसाला सिंह की रेसिपी के लिए आप मेरी दाबेली रेसिपी का वीडियो देख सकते हो। तो ये है मेरा आज का टिफ़िन। आज आपने टिफ़िन में क्या बनाया वो भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, तो मुझे भी आइडिया आएगा।